दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं मीनाक्षी नेचर लाइफ में आप सभी का स्वागत है। कहिए कैसे हैं आप सब दोस्तों। वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी ऐसे 5 पौधे जिसे बिना धूप भी आप आपके घर में लगा सकते हो। बहुत सारे भाई बहनों का क्वेरी रहता है कि मैडम हमारे वहाँ तो धूप नहीं आता है, तो प्लीज आप ऐसे पौधे बताइए कि बिना धूप भी हम उसको हमारे घर में लगा सकते हैं। दोस्तों, ऐसे मैं 5 पौधे आपको बताऊंगी। ऐसे तो बहुत सारे पौधे हैं जैसे आप बिना धूप उसको लगा सकते हैं, पर आज मैं ओनली 5 पौधे ही आपको बताऊंगी। मेरे सेकंड वीडियो में मैं दूसरा पौधे के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं और आप आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, उसमें फर्स्ट पौधा आएगा मनी प्लांट। बिल्कुल दोस्तों, इसको धूप की जरूरत नहीं होती है और इसको बहुत इजीली आप ग्रो कर सकते हैं। एक सिंपल बोतल, पानी की बोतल में भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं। इसको मिट्टी बिना भी आप ग्रो कर सकते हैं और इसको लगाना भी बड़ा आसान है। ऐसे नोड एरिया है, इसको आप यहाँ से कटिंग करके इसको लगा सकते हो। धूप की जरूरत नहीं है और आपके घर में कोई भी कोने या एंट्रेंस में आप डेकोरेशन करना चाहते हो, जैसे मैंने अभी किया हुआ है, आप देख सकते हो ये पौधे मेरे एंट्रेंस में ही हैं, तो ये बहुत खूबसूरत लगेगा और बहुत जल्दी ग्रो करता है। ऐसा कोई भी मनी प्लांट आप लगा दीजिए, बहुत सारी वैरायटी दोस्तों इसमें आती है। तो ये फर्स्ट पौधा है, बिना धूप कि आप लगा सकते हो आपके घर में। दोस्तों, सेकंड पौधा है सीजी प्लांट और इसका वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ, शायद आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आप इसको सर्च कीजिए मीनाक्षी नेचर लाइफ में, बहुत सारे इंफॉर्मेशन मैंने इसके बारे में दिया हुआ है। बिल्कुल दोस्तों, ये भी बिना धूप आप इसको लगा सकते हो, बहुत खूबसूरत पौधा है। इसको बिल्कुल भी धूप की जरूरत नहीं है। जैसे अभी बहुत सारे भाई बहन फ्लैट में ही रहते हैं तो उनके लिए ये बेस्ट पौधा है। घर के कोई भी कॉर्नर को आप डेकोर करना चाहते हो तो ऐसे पौधे को आप जरूर स्थान दीजिए। ये पौधा मेरे घर के एंट्रेंस में ही लगा हुआ है। थर्ड नंबर पे आएगा स्पाइडर प्लांट्स। दोस्तों, इसमें भी बहुत सारी वैरायटी हैं और मेरे पास इसकी 3-4 वैरायटी हैं फिलहाल, आप देख रहे होंगे। तो ये पौधा भी बिना धूप आप आपके घर में इसको स्थान दे सकते हैं, बहुत खूबसूरत पौधा है। और ये एक पौधे में से बहुत सारे पौधे आप बना सकते हैं और इसके फ्लावर भी बहुत खूबसूरत आते हैं, व्हाइट कलर के इसके फ्लावर होते हैं और दोस्तों ऐसे रनर निकलते हैं इसमें। और इसमें से आप कट करके बहुत सारे पौधे बना सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, तो ये भी बिना धूप आप आपके घर में लगा सकते हो, ये सेकंड वाला है। और इसमें से मैंने बहुत सारे पौधे बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं छोटे छोटे बेबी प्लांट्स मैंने यहाँ पे लगाए हैं। और दोस्तों,
आप कोई भी पौधा अगर घर में रखते हैं और वो इंडोर प्लांट्स हैं तो आप इसको सावर करते रहिए। कोई भी जो पौधे हैं इंडोर प्लांट्स उनको मिस्टिंग ज़्यादा पसंद रहता है, तो हमेशा मिस्टिंग करते रहिए। मिट्टी की और खाद पानी की बात करें दोस्तों, तो इसको भी आप जैसे मैं हमेशा मेरे वीडियो आपने देखे होंगे तो मैं आपको बताती रहती हूँ, वैसे ही रेशियो आप बना लीजिए और मिट्टी में लगा दीजिए। ऐसे बहुत सारे पौधे हैं इंडोर प्लांट्स जो आपके आपके घर में आप रख सकते हो। तो दोस्तों फोर्थ नंबर पे आएगा स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट की भी काफी वैरायटी आती है और मेरे पास इसकी बहुत सारी वैरायटी है और ये पौधे को ज्यादा केयर की भी जरूरत नहीं होती है और इसका भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप मेरे चैनल पे जाइए और ये वीडियो के लिए आप सर्च कीजिए, बहुत सारी इंफॉर्मेशन में इसके बारे में भी आपको दिया हुआ है। तो ये भी बिना धूप आप आपके घर में लगा सकते हो, इसको ज़्यादा पानी और ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं होती है दोस्तों, और बहुत महंगा प्लांट्स भी है और बहुत अच्छा प्लांट्स है। ये हवा को प्योरीफायर करता है और इसको आप आपके बेडरूम में भी स्थान दे सकते हो। बिना धूप आप आपके घर में रख सकते हो, काफी वैरायटी आती है और ये प्लांट्स थोड़ा दोस्तों कॉस्टली आता है, पर इसको आप अगर आपके घर में एक बार लगा दिया तो बहुत सारे पौधे इसमें से भी आप बना सकते हो। इसके बेबी प्लांट्स निकलते हैं, इसमें आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे बेबी प्लांट्स निकले हुए हैं और मैंने बहुत सारे प्लांट्स इसमें से ही बनाए हैं, मल्टीप्लाई होता रहता है। तो बहुत छोटे गमले में भी इसको आप ग्रो कर सकते हो। तो दोस्तों फिफ्थ पौधे में से ये लास्ट वाला पौधा है सिंगोनिया। बहुत खूबसूरत पौधा है दोस्तों और इसके भी काफी वैरायटी है मेरे पास, फिलहाल आप देख पा रहे होंगे, और बहुत खूबसूरत पौधा है। बहुत सारी वैरायटी आती है, इसमें से थोड़ी बहुत मेरे पास है, 6-7 वैरायटी है मेरे पास। सारे पौधे मैं यहाँ पे टिपोई पे नहीं रख सकती हूँ, सॉरी दोस्तों, तो जो है यहाँ पे वही बता रही हूँ। तो दोस्तों इसको भी आपको धूप की जरूरत नहीं है, आपके कॉफी टेबल पे इसको आप स्थान दे सकते हो, बहुत खूबसूरत पौधा है और इसके भी मिट्टी की बात करें तो वेलनल मिट्टी चाहिए। और रख रखाव की बात करूं दोस्तों, बहुत कॉस्टली पौधा तो नहीं है, बहुत सस्ता वाला पौधा है मगर खूबसूरत बहुत है। या आपके दोस्त या कोई परिवार में कोई मित्र के वहां अगर आप जाओ और ऐसा पौधे आप देखो तो आप उसके वहां से एक कटिंग ले लीजिए, ये इसमें से भी हो जाएगा। तो बिना धूप इसको भी आप आपके घर में स्थान दे सकते हैं। जैसे मैंने बोला रख रखाव की बात करें तो इसको मिस्टिंग ज्यादा पसंद है, आगे मैंने बताया दोस्तों। वैसे कि कोई भी पौधा है अगर आप इसको इंडोर प्लांट्स लगा रहे हो तो एक दिन छोड़ के इसको मिस्टिंग करते रहिए ताकि इसके पत्ते में उसकी चमक बनी रहे। तो
तो दोस्तों हमेशा की तरह मेरा एक मैसेज आप सभी को रहता है, वैसे नेचर में रहिए और नेचर से जुड़े रहिए। और दोस्तों फिलहाल जो महामारी चल रही है कोविड, इसमें आप अपना और आपका परिवार का प्लीज ध्यान रखिए, आप हमारे लिए बहुत कीमती हैं। तो प्लीज आप आपका और आपका परिवार का ध्यान रखिए।